अस्सलाम वालेकुम यार, मैं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं स्कूसर डॉट कॉम का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 100 के गेमिंग पीसी बिल्ड लेके हैं। इसमें जो जो कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे और इनकी प्राइस भी आपको अलग अलग बताएंगे कि हर पार्ट्स की क्या प्राइस आ रही है और ये बिल्ड आपको कितने में मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में आगे चल के ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलते हैं जी आज की 100 के गेमिंग पीसी बिल्ड की तरफ। इसमें जो जो कंपोनेंट हमने यूज़ किए उसके बारे में आपको बताता चलूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेसर की। जो इसके अंदर हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं वो i5 सिक्स जनरेशन का प्रोसेसर हम यूज़ कर रहे हैं। 6500 प्रोसेसर हम इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। और इसी तरह इसके अंदर हम जो मदरबोर्ड यूज़ करने जा रहे हैं वो H110 मदरबोर्ड हम इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। 2 रैम स्लॉट वाला, क्योंकि सिक्स जनरेशन और सेवन जनरेशन दोनों को सपोर्ट करता है। आप i7 7 जनरेशन तक इसको अपग्रेड कर सकते हैं और 2 रैम स्लॉट है तो आप इस पे जो है वो 16 16 GB की 2 रैम्स भी लगा सकते हैं। लेकिन हम इस बिल्ड के साथ जो है वो आपको 8 GB रैम देंगे, क्योंकि हमने 100K में इस बिल्ड को पूरा करना था तो हमने 8 GB रैम लगाई है इसके अंदर। अगर आप इसके अंदर रैम बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो अपने बजट के हिसाब से आप इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसमें 8 GB हमने रैम लगाई है 2666 MHz वाली, क्योंकि ये i5 6th जनरेशन का जो प्रोसेसर है वो 2666 MHz तक जो है वो रैम को सपोर्ट करता है, तो वो रैम हमने इस बिल्ड के साथ लगाई है। इसी तरह इसके अंदर हमने 1 TB 8 GB SSD इस बिल्ड के साथ यूज़ की है WD की, और इसके साथ हमने जो HDD यूज़ की है वो 500 GB HDD हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ की है। अब बात करेंगे इसकी PSU की। जो इसके साथ हमने PSU यूज़ की है वो 500 वाट की 80+ ब्रॉन्ज में PSU हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। और इसके साथ जो हमने केस यूज़ किया है वो स्टॉर्म डबल ए टाइगर का स्टॉर्म गेमिंग केस हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। साइड इसका टेम्पर्ड ग्लास है, फ्रंट पे जो LED लाइट मिलेंगी आपको और बैक साइड पे एक RGB फैन आपको इसके साथ मिलेगा। और इस केस की भी प्राइस आपको आगे वीडियो में चल के बताते हैं। और इसी तरह इसके अंदर जो हम ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो MSI मैक में X2 ग्राफिक कार्ड यूज़ करेंगे हम। RX 6600 8GB GDDR6 128 bit में ग्राफिक कार्ड हम यूज़ करेंगे ड्यूअल फैन में विद बॉक्स। ये ग्राफिक कार्ड है वो हम इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये थी स्पेसिफिकेशन 100 के गेमिंग पीसी बिल्ड की। अब हम इसकी प्राइस आपको अपडेट करते चले तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर की। जो इसके अंदर हम प्रोसेसर यूज़ करेंगे i5 6th जनरेशन का प्रोसेसर हम इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। 6500 वो हमने 14,000 रुपये में इस बिल्ड के साथ ऐड किया। और इसी तरह इसके अंदर जो हम H110 मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं 2 रैम स्लॉट वाला, जिस पे 4 शटर ड्राइव लगने की ऑप्शन है। आप 4 शटर ड्राइव इसके साथ लगा सकते हैं। और इस मदरबोर्ड की जो मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 11,000 रुपये हम, लेकिन हम 10,500 में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह इसके अंदर हम जो रैम यूज़ कर रहे हैं वो 2666 MHz वाली 8 GB रैम DDR4 में हम इस बिल्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं। उसकी मार्केट प्राइस भी 6000 तक है, लेकिन हम 5500 में इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। और इसी तरह इसके अंदर हम जो SSD यूज़ कर रहे हैं WD की न्यू बिल्कुल SSD हम इस बिल्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं 128 GB, उसकी मार्केट प्राइस 3500 है, लेकिन हम 3000 में इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। और इसी तरह इसके अंदर हम जो HDD यूज़ कर रहे हैं 500 GB की HDD हम इस बिल्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं 7200 RPM और 100% हेल्थ वाली, इसकी मार्केट प्राइस भी 2200 है, लेकिन हम 2000 में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ करेंगे। अब बात करेंगे इसकी PSU की। जो 500 वाट की PSU हम इस बिल्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं 80+ ब्रॉन्ज में, इसकी मार्केट प्राइस 5000 है, लेकिन हम 4500 में इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। इसमें 6 पिन और 8 पिन कनेक्टर दोनों अवेलेबल होंगे आपको। आपने जो सा आपके ग्राफिक कार्ड को कनेक्टर लगेगा वो उसके अंदर अवेलेबल होगा। इसी तरह इसके अंदर हम जो गेमिंग केस यूज़ कर रहे हैं डबल ए टाइगर का स्ट्रॉन्ग गेमिंग केस हम इस बिल्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं विद 1 RGB फैन, साइड टेम्पर्ड ग्लास है और न्यू बिल्कुल केस आपको मिलेगा इस बिल्ड के साथ। इसकी जो मार्केट प्राइस है 9000 से 9500 है, लेकिन हम 8500 में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ करेंगे। इसी तरह इसके अंदर हम जो ग्राफिक कार्ड यूज़ करेंगे लास्ट पे उसके बारे में आपको बताते चले, उसकी प्राइस अपडेट देते चले, तो जो RX 6600 8GB GDDR6 128 bit ग्राफिक कार्ड हम इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे, उसकी मार्केट प्राइस 55000 है, लेकिन हम 50000 में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ करेंगे। और ये विद बॉक्स आपको सील्ड ग्राफिक कार्ड मिलेगा, बैक प्लेटेड ये ग्राफिक कार्ड है और 10x10 कंडीशन में इस बिल्ड के साथ जो है वो आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये थी 100K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की स्पेसिफिकेशन और प्राइस अपडेट। अब इसकी वारंटी की बात करते चलें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हमारी हर वीडियो में, हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि डेड और बर्न की वारंटी इंक्लूडेड नहीं होती। कोई भी कंपोनेंट है डेड हो गया या बर्न हो गया तो उसकी वारंटी नहीं है, नो डिस्प्ले नो वारंटी। चले मैं इस तरह आपको बताता चलूँ
आपके अगर किसी प्रोडक्ट का डिस्प्ले नहीं आ रहा किसी चीज़ का, जैसे ग्राफिक कार्ड है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, रैम है, उसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो वो जो चीज़ ख़राब होगी वो वारंटी में क्लेम नहीं होगी। इसके अलावा जो आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स की वारंटी क्लेम होगी, वो भी आपको 1 मंथ टाइम पीरियड दिया जाता है, विद इन 1 मंथ आप क्लेम करवा लिया करें, आफ्टर 1 मंथ जो है वो क्लेम नहीं होगी, वो भी डेड और बन के अलावा। ठीक है, इस तरह नहीं होता कि आप एक प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय करते हैं और उसको बाय करके रख छोड़ते हैं, तो बाद में जब ख़राब हो जाती है तो आप हमें कहते हैं कि जी हमने यूज़ नहीं की, तो इस तरह की स्टोरियाँ जो है वो काबिले कबूल नहीं होती है, आपको भी पता है कि ये स्टोरी जो है वो पकड़ी जाएगी। बाकी अब इसकी शिपिंग की बात करते हैं, तो शिपिंग इसकी ऑल ओवर पाकिस्तान में, पाकिस्तान की किसी भी सिटी किसी भी कोने में आप शिपिंग मंगवाना चाहते हो तो फ्री शिपमेंट होगी, यहाँ से हमारी तरफ से शिपिंग कॉस्ट नहीं आपकी लगेगी। जैसे इस बिल्ड को भिजवाने पर पहले हमारा 2000 रुपये खर्चा आता था, लेकिन अभी जो हमें लेटर आया है हमारी कंपनी की तरफ से जिसके थ्रू हम भिजवाते हैं, तो उन्होंने हमें बोला है कि जी इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है, तो 100 जो है वो पर के जी उन्होंने प्राइस इंक्रीज़ कर दिया, तो इस तरह इसकी कॉस्ट 3000 बनती है, तो 3000 हमारा खर्चा आएगा, वो भी हमारी तरफ से आपको डिस्काउंट है। अगर आप इस बिल को बाय करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर शोर है, वहाँ पर जाके आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.schoolsir.com को भी विज़िट कर सकते हैं, या आप फिज़िकली हमारे स्टोर पे आना चाहते हैं तो उसका एड्रेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन से आप एड्रेस लेके हमारे पास पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, हमारी टाइमिंग जो होती है शॉप की जो व्हाट्सएप पर आंसर की ऑनलाइन कस्टमर्स के लिए बता, तो चलो दोपहर 12 से रात 10 के दौरान होती है, उस दौरान आप कॉल या मैसेज हमें कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स की वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट लेके आते रहते हैं। फिर मुझे इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।